अरे ये जानामाज मेरे को करंट क्यों मार रही है? इमाम साहब को फोन करता हूँ। हेलो इमाम साहब, आप जल्दी से मेरे घर पे आ जाइए। क्या हुआ अनस भाई? इमाम साहब, मैं जब भी जानामाज पे नमाज के लिए खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे बहुत जोरों का करंट लग रहा है। आप ही बताइए कारी साहब, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक बात बताइए, आप वही हैं जिनका इस मोहल्ले में सबसे बड़ा सूद का काम है? इमाम, जब अल्लाह पाक आपको सजदे की तौफीक ही नहीं दे रहा तो वो आपके गुनाह कैसे माफ़ करेगा? भाई अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि अल्लाह आपको नमाज पढ़ने की तौफीक क्यों नहीं दे रहा है। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं आज के बाद सूद का कारोबार कभी भी नहीं करूँगा। जाओ भाई, जाकर नमाज पढ़ो। क्या अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। आप भी अपने गुनाहों की तौबा करें और कमेंट में माशाल्लाह लिखें।